हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रवि, मैं कनिका। स्वागत है सभी का हमारे चैनल पे मिस्टू एंड मिस्टी। कार्तिक, अभी 8:30 और देखना घर कैसा फैला हुआ है पूरा। अभी क्योंकि उठे हैं सो के, तो सफाई वगैरह कराना है। लोग भी फैले हुए, बहुत दूर फैल रहा है वो। मैं जा रहा सिलेंडर लेने, स्कूटी निकाले सबसे पहले बाहर और फिर जाएंगे अपना सिलेंडर लेने। तो अभी स्कूटी से निकाल लिया मैंने भाई, और मैंने जितेंद्र को बुलाया है सिलेंडर लेने के लिए साथ में, बिकॉज स्कूटी में मेरे इतना गैप नहीं है कि मैं बीच में घुसा के ले जाऊँ, तो एक बंदा चाहिए होता है पकड़ने के लिए। आजा भाई आजा। तो गाइस, हमारा जितेंद्र भाई आ चुका है। ये अभी देखो ऑफिस आने के लिए रेडी होके आया है, बट मैं इसको पहले ही याद दिला दी, नहीं तो आज ये निकल जाता। मैंने रात को इसको पहले ही बोल दिया था कि भाई सुबह सिलेंडर लेके आना, ये भी भूल गया था बेचारा, और मैं भी भूल गया था कि सिलेंडर लेके आना है। वो तो बाबा ने याद दिला दिया, फिर मैंने इसको बोला जल्दी जल्दी करके। गंदा नहीं होगा ना पैंट, अब ब्लैक कपड़ा ना, गंदा नहीं होगा। आजा। तो गाइस, हम अभी तो सिलेंडर अभी ले चुके हैं और भाई गिर के रहा हूँ मैं। क्या देख रहा है भाई, रखवाने के लिए रखवाएंगे वो, अभी पैंट टाइट है। जितेंद्र भाई का पैंट बहुत टाइट है, रखवा बोल दो रखवाने के लिए, बोल दो भैया रख दो यार। अच्छा ये इधर लगेगी। हाँ तो भाई सिलेंडर आ गया, अभी इसको यहीं रखते हैं, फिर रखेंगे अंदर आराम से। थैंक यू सो मच ब्रो, चलो मिलते हैं, चलो मिलते हैं, बाय बाय। जल्दी बिल्कुल यार, संडे शनिवार एंड आज का हमारा कुछ स्पेशल काम है, जो कि क्या स्पेशल है मिस्टी बताओ। आज का हमारा स्पेशल काम है, जितने भी जो नीचे नीचे चीज है ना, जहाँ कार्तिक का हाथ पहुंचेगा उसको सब ऊपर हटाने का। ये बोर्ड को हमें ऊपर करना है, ऊपर यार, फिर मेरा चार्जिंग छोटा पड़ जाएगा यार। तो कैसे करो, तुम अपनी तरफ खींच के ना ऊपर कर दो, थोड़ा सा और उधर लगाओ, लेकिन ऊपर उस कोने में। हाँ। नहीं मतलब कैसे, जहाँ वो दो चाबी रखा है ना। हाँ। वो चाबी के जस्ट ऊपर लगाओ तुम ये दोनों। ठीक है, ठीक है। बर्तन धोते हुए हमारे इन्फ्लुएंसर आज हमको बहुत सारा काम है गाइस। क्या बर्तन धो नहीं सकते क्या है मिस्टी, है ना, तो बोल दो। लॉकडाउन में करते हैं कैफे में बर्तन धोते होते वीडियो वायरल हो गई। अरे वो कटरीना कैफे यार, गाइस सॉरी डकार आ रहा है यार। तुम कुछ कहना चाहते हो कल वाले वीडियो के लिए? हाँ, कल वाला वीडियो बहुत अच्छा गया है और उसमें काफी पॉजिटिव कमेंट आ रहे थे। Yes, सब बोल रहे थे मिस्ट्री ने अच्छा मेकअप किया है, ये वो 100 में से 100, 10 में से 10 नंबर, एक नंबर, 1000 में 1000, एक में शायद 1 लाख या 1 करोड़ था ना कुछ। हाँ। 1 करोड़ में 1 करोड़ नंबर, वाई 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 वाई, बहुत सारा प्यार मिला कल के वीडियो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.
always feel like I could break now. But I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. Hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. तो गाइस अभी शाम हो चुका है, बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ चिली पटर लेने। मैं कितना भी खा लूँ मेरा पेट नहीं भरता। ये मिस्टू का कहना है, ये मिस्टू कहते हैं मैं नहीं। तो अभी मैं जा रही चिली पटर लेने। कार्तिक सो खास हो गया गाइस, तो कार्तिक सो रहा है तो मैंने सोचा जब तक चिली पटर लेके आ जाते खा लेते, फिर मिस्टू जाएंगे बाहर शायद, पता नहीं। तो चलते हैं अभी। तुम्हारे लिए भी लाना है, कितना? एक ही प्लेट ले आना, वो छोटा वाला ना। जा रहा हूँ मैं लाना, तो चलते हैं गाइस। The next day। कैसे हैं आप सब? मैं रवि, कनिका तो दिखी ही नहीं। स्वागत है हमारे चैनल पे मिस्टू एंड मिस्टी। तो आज का ब्लॉग हम यहीं से शुरुआत करते हैं। मेरा पार्सल आया हुआ है तो अभी जा रहा हूँ पार्सल लेने। कार्तिक भी जा रहा साथ में। थोड़ी आवाज़ दबी दबी से लग रही होगी बिकॉज सर्दी हुई, जुकाम हो रखा है तीनों को, मिस्टी को भी, मुझे भी और कार्तिक को भी। एक को होता है ना घर में किसी को, सबको हो जाता है क्योंकि ये वायरल होता है एक तरह से। सो हमारा पार्सल आ चुका है और वहाँ सामने बाइक पे हमारे पार्सल आता रहता है भाई, मतलब डेली एक दो तीन तो आते रहते हैं, दो तीन करके। पार्सल आ चुका है और मिस्टी बताया सफाई कर रही है। सफाई मतलब आज पहली बार हमारा खिड़की खुला है गाइस, देख सकते हो आप, जैसे कि ये खिड़की जल्दी खुलता नहीं है पूरा। देखो वाईफाई का तार वगैरह पूरा हमने पीछे सजा रखा है एकदम। ये राउटर सही जगह लगाया ना मिस्टी मैंने? हाँ। पहला गाइस पता है ये राउटर जो ये वाला राउटर है ना, ये वाला हमारा यहाँ पे था नीचे, तो यहाँ पे जब हम दोनों थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। फिर कार्तिक धीरे धीरे चलने फिरने लगा है, यहाँ पे जितने सामान रहते ना सारा नीचे गिराता है, इस साइड सारा गिरा देता है ये। ये बिजली बिजली का है तो इसलिए हमने इसको हटा ही दिया ना भाई, करंट वरंट लग जाए क्या पता, है ना। और गाइस आज ना मेरे को जाना है कार्तिक का बर्थ सर्टिफिकेट लेने, बिकॉज 20 दिन बाद बुलाया था मेरे को, तो 20 दिन तो कल ही हो गए थे। लेकिन मैं सोचा एक दिन बाद जाऊँगा एक्स्ट्रा, है ना, क्योंकि क्या पता वैसे आ जाता है। पता है मुझे लगता है ना कि सामान तो आ ही जाता होगा 20 दिन से पहले ही आ जाता होगा, लेकिन वो 20 दिन इसलिए बोलते हैं कि कभी बाय चांस मान लो लेट वेट हुआ तो आ ही जाए, है ना। गाइस कार्तिक थोड़ा सा बड़ा हो जाए यार, फिर मैं भी ट्रिप वगैरह पे जाया करूँगा, फिर मिस्टी की जरूरत नहीं है। मिस्टी घर पे भी रहेगी ना तो कार्तिक और मैं ब्लॉगिंग करेंगे, मतलब कार्तिक इतना हो जाए बड़ा कि खुद से चलने लगे, थोड़ा बहुत बोलने भी लगे, है ना, तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा देखने में। फिलहाल तो मेरा नहाने का मूड कर रहा है यार, पर नाक बंद है पूरी, फिर नहा लूंगा ठंड ना लग जाए मुझे दोबारा। नहा के धूप में बैठ जाओ, मिस्टी ना गाइस एक बात बताऊं, वैसे बतानी तो नहीं चाहिए आपस की बात है, लेकिन ना मिस्टी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी है, पहले से इतना गुस्सा करने लगी है, पता नहीं क्या हो गया मिस्टी को, क्या हो गया तुमको पता ही है क्या? पता क्या गुस्सा क्यों बताओ ना, आंसर जनता वांट्स नो। उधर ही रहो, गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मिस्टर मेरी बात नहीं सुनते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये करो तो वो नहीं करते, वो अपना काम मुझसे करवा लेते हैं, इसलिए। तुम्हारा काम कौन सा मना किया मैंने? मैं बोलती कि मेरी तबीयत खराब है तुम वीडियो वगैरह एडिट कर लो, नहीं उनको मेरे से ही करवाना जबकि मेरी तबीयत खराब है। देखो मैं गाइस का घर फैला हूं फिर भी मैं काम कर रहा हूं, कर रहा हूं, मैं भी काम कर रहा हूं गाइस। वैसे यार पागल इसमें वो नहीं होना चाहिए ना कि तुम करो या मैं करूँ, शांति से कर लिया करूँ।
देखा आपने, देखा मुंह, देखा सड़ू सा मुंह बना लिया है। जाओ काम करो अपना, जाओ करते हैं। हाँ। और उसका फेस रहेगा इस तरफ पूरा, कर सकता हूँ। या तो मैं कह रहा हूँ खिड़की से नीचे लटका दो लाइट को थोड़ा। कौन सा खिड़की? ये खिड़की से, मतलब खिड़की के थोड़ा सा ऊपर लाइट को कील ठोको और लाइट को नीचे लटका दो, क्योंकि दीवार पे रखोगे ना तो काला काला हो जाएगा दीवार पे गर्मी से, इसके हीट से। यहाँ लटका दू? यहाँ इस दीवार पे ऐसे लटका दू? हाँ, ज्यादा ऊपर, ज्यादा नीचे, ज्यादा नीचे। उतना ऊपर है पागल, उतना ऊपर से इतना गर्मी करता है वो। तो भाई बात खत्म करो, इधर ही लगाओ तुम। ऊपर तुम्हारा हाथ नहीं जाएगा उतना ऊपर, सीढ़ी लाना पड़ेगा, ऊपर ठोक देता हूँ, ठीक है? फिर यार तार भी, तुम छोड़ो नहीं सब, तुम इधर ही लगाओ, बात खत्म करो बस। अच्छा लोकेशन है, पंखा एसी लग जाएगा तो पंखे की चला रहे। हाँ तो तब वहाँ पंखे में ही लटका के रखना फिर, वो 24 घंटे थोड़ी ऐसे चलाओगे तुम। तो ये नीचे रख दो ना, डब्बा नीचे रख दो, छोड़ दो, और बाकी वो रहने दो उसके हाथ में, खेल रहे। देखा कैसे गिरा दिया मेरा सामान मिस्टू ने, कोई इज्जत नहीं है। तो हम लोग अभी फोकस करते हैं अपने काम पे, जल्दी करो। मैं उखाड़ना था मिस्टी के लिए, कील कैसे उखाड़ो, कैसे उखाड़ो। देखो ये ज़ॉम्बीज़ को देखो, पैर काट रहा है, ऐसे उखाड़ दिया, कील उखड़ गया आराम से। हां ठीक है, जा छेद वहां लगाओ, इधर उतना ऊपर नहीं था ये, तुमने किया है। हाँ मैं कील ठोक रहा था, बटन उधर थोड़ा सा छेद हो गया। तुमने इतना बाहर क्यों कर दिया? मैं दो लगा रहा था। दो क्यों? दोनों एक इधर एक इधर कील, दोनों उसको अच्छे से लगाओगे नहीं तो ना ऐसे लटकता है। ऊपर रखते हैं मिस्टी। देखो ऐसे करो, एक कील इधर लगाओ, रुको नहीं, इसके बराबर ही लगाऊंगा। हाँ तो एक कील इधर लगाओ, एक इधर लगाओ, ताकि एक ही लगाएंगे पागल, एक ये फिर इधर इधर लटकता रहता है। यहाँ पे था ये लटक रहा है, इधर ये सपोर्ट नहीं दे रहा था साइड में, तुमको उधर सपोर्ट दे रहा था, इधर सपोर्ट नहीं दे रहा था ना, इधर का भार ही नहीं आएगा ना भाई। रुको तुम मेरे को कर ले दो, तुम अपना दिमाग मत लगाओ, जल्दी करो। एक तो वैसे नाक बंद है, एलियन जैसी आवाज निकल रही है। जल्दी 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 जल्दी, मैं ढूंढने को इसके दूंगी। गाइस पता है मैं अगर गाना सुनते सुनते काम करूँ ना, मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है। अरे क्यों, मेरे अंदर ये अच्छी बात है, अगर मैं गाना सुनते सुनते काम करती हूँ ना तो मेरा काम बहुत जल्दी होता है। मैं सारा काम अच्छे से करती हूँ, एकदम अच्छे से, मन लगा के। हो गया? यस, आई लाइक इट। कोई बात नहीं, वो मैं एडजस्ट कर लूंगी। अब एक काम करो, वो टेडी बेयर निकालो वहां से, वो टेडी बेयर वहां से हटाओ। क्यों हटाओ? अब उसका काम खत्म। क्यों? रहने दो, चलो रहने दो, साफ करूंगा। अब एक काम करो, ये बोर्ड उठाओ। सुनो ये क्या है? क्या ये मैं चिप चिप कर रहा हूं, होगा कुछ उसमें। सुनो अब एक काम करो जल्दी से, कहीं देखो बाहर लोग जा रहे हैं। देखो तो एक काम करो, अभी वाला बोर्ड उठाओ, उसको ऊपर करो। जस्ट अभी एक और पार्सल आ गया, मैं बोला था आपसे कि मेरा पार्सल बहुत ज़्यादा आता रहता है। चलते हैं पार्सल लेते हैं फटाफट, और घर का काम बाकी है, बहुत सारा काम करना है आज। तो भाई भले तबीयत खराब है कोई बात नहीं, काम करेंगे लेकिन आज हम। तो भाई इस बार अपना पार्सल आया है बड़े से डब्बे के अंदर, अब बड़ा डब्बा आया है। आप लोग सोचते होगे कि इसके अंदर है क्या, इतना क्या मंगवाते हो? तो भाई ये सब आते हैं, कंपनी वाले भेजते हैं हमें स्पॉन्सर के लिए। वैसे बताना तो नहीं चाहिए बट मैं बता दे रहा हूँ वीडियो के अंदर। देखो मिस्टी मेरा इंतजार करती रहती है, बेचारी को एकदम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता मैं कहीं बाहर चला जाऊँ। आए जग गए तुरंत, ये लो ये लो ये लो, गाना चल रहा है बैकग्राउंड में, कैसे ले रहे तेज बोल रहा हूँ, लो 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 लो। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let. So guys, ab mera kaam ho chuka hai khatam, and Misty ka kaam ho chuka hai chalu.
तो हमने मैंने चेंजेस क्या क्या किए हैं वो आपको एक सेकंड दिखा दूं मैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बोर्ड है ये वाला हमारा, ये पहले था यहाँ पे या नीचे, तो यहाँ से कार्तिक का हाथ वाथ पहुँचता था तो डर था कि करंट वरंट ना खा ले, तो हमने वहाँ लगा दिया। और ये जो कील उखाड़ा है हमने इसकी वजह से थोड़ा सा गड्ढा हो गया है, तो यहाँ पे हम स्टिकर लगाएंगे बढ़िया से लाके बड़े बड़े से, है ना मिस्टी। और यहाँ पे जहाँ मिस्टी है वहाँ नीचे सामान रहता था पहले, तो कार्तिक वो अपना बेड का कोना पकड़ के और सामान वगैरह गिरा देता था, तो अब बहुत दिक्कत होता है, अभी नीचे से इतना सामान निकालूंगी, तो अब मैंने ऊपर कर दिया है ना, ऊपर ठोक के अच्छे से एकदम सजा दिया एकदम। और बाथरूम आपको दिख रहा होगा चमकीला कुछ दिख रहा है, वैसे क्लोज से दिखा दूंगा पर और साफ हो जाए, वो भी हमने किया है क्योंकि साबुन वगैरह नीचे रखते थे तो अब रहेगा ऊपर साबुन शैम्पू वगैरह, है ना मिस्टी। एक लास्ट काम रह गया, ये जो लाइट है हमारा हैलोजन वाला, इसको भी चेंज करना है ताकि हम पंखा भी चला सके और ये भी अलग जगह लगा, ये भी हम जला सके। Let the doubt creep in, gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone.